Hey everyone, how are you all? Sending warm wishes to you all on this occasion of Christmas. Merry Christmas, guys. दोस्तों आज मेरा मन किया आपसे थोड़ी बात करने का, बस ऐसे ही, कोई स्पेशली मैंने इसको कोई स्क्रिप्ट नहीं किया है, पर जो भी मन करेगा वो थोड़ा बात करने का मन किया आपके साथ, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रिविलेज है हमारे जनरेशन के पास, हमारे पास, कि हम मैं अभी अपने रूम में बैठा हूँ, मेरे सामने एक कैमरा है जिसमें देख के मैं बोल रहा हूँ, पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ. ये बहुत बड़ा प्रिविलेज लगता है मुझे और मुझे ये चीज़ बहुत पसंद भी है. That's why I've chosen it as a profession, I guess. Yes, not I guess. It is true for me. दोस्तों सबसे पहले तो आज है क्रिसमस 25th of December. और आज के दिन मुझे याद है आज से एक साल पहले मैंने हम लोग मतलब मैं यश जो मेरा कजिन है, अगर आपने मेरे व्लॉग्स पहले के देखे हैं तो उन व्लॉग्स में वो आया है, हम लोग विजिट किए थे इको पार्क. इको पार्क कलकत्ता में ही एक पार्क है जो कि एरिया में बहुत बड़ा है, कोई ऐसा बहुत खास राइड वगैरह वहाँ नहीं है, पर बहुत स्पेशियस पार्क है. तो वहाँ पे जाके हम वीडियोस मतलब व्लॉग मैंने बनाया था और मैं बहुत एक्साइटेड था उस व्लॉग को लेके. पर जब बाद में मैंने उसको एडिट करने में बैठा तो मैं देखा कि यार मज़ा नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों. पर मुझे हालांकि रिकॉर्ड भी अच्छे से हुआ था, हमने बातें की थी, पर मुझे बहुत एक्साइटिंग नहीं लग रहा था वो व्लॉग, एज मतलब मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से. पिछले साल का व्लॉग मैंने बनाया था और मुझे ये सोच के बहुत शॉकिंग लगा कि यार एक साल बीत गया उस बात को, 25 दिसंबर 2021 आ गया आज, और समय कैसे बीता ये मुझे पता ही नहीं चला. और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है या सिर्फ मेरे साथ ही है, आपके साथ भी ये एक्सपीरियंस ज़रूर होता होगा दोस्तों. समझ में नहीं आता समय कैसे बीत जाता है, कितना भी समय. और कई बार इस बात का डर भी लगता है कि यार समय बीत रहा है, और अगर इफ़ यू लुक एट इट मोर फंडामेंटली, लाइफ इज टाइम, टाइम जैसे जैसे बीत रहा है ज़िंदगी भी बीत रही है. तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि समय की कदर की जाए. और समय की कदर करने के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ जो मुझे पर्सनली लगती है वो ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता आप किस फील्ड में, जिस किसी भी फील्ड में आप हैं, समय को महत्व देना इज़ कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको आप अपने पूरे मन से करें. 100% एफर्ट जब उस काम में जाता है ना, देन टाइम गेट्स रिस्पेक्टेड. अदरवाइज क्या होगा, अगर हमने हाफ हार्टेडली कोई काम किया तो फिर वो काम पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होगा. अगर हाफ हार्टेडली किया तो उसी काम में हमें फिर और समय देना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं वो समय की भी थोड़ी बेइज्जती हो जाती है, अकॉर्डिंग टू मी. आपके आइडियाज अलग हो सकते हैं, जो भी आपको लगता है टाइम से रिलेटेड वो कॉमेंट्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा. पर ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं देख रहा था, और अभी तक जितनी भी मेरी थोड़ी बहुत ज़िंदगी रही है, मतलब जितनी मेरी उम्र है उस हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस फील्ड में हो, पर जो भी लोग किसी भी फील्ड में अच्छा करते हैं ना, उनमें एक ट्रेट मैंने कॉमन महसूस किया है, देखा भी है, अपने अंदर भी देखा है. जब जब उस चीज़ को लाई है मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है, जब जब वो चीज़ नहीं रही है तब कहीं ना कहीं ऐसे रिजल्ट मिले हैं जो मुझे नहीं चाहिए थे. विच इज़ बहुत ज़्यादा मैंने डीपली तो स्टडी नहीं किया है, पर इसको मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है. लेकिन क्योंकि मैंने बोला एक चिट चैट मतलब मुझे बात करने का मन करता है इसलिए मैं बोल देता हूँ. देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज फ्लो, FLOW, फ्लो, जो कि जिसमें कहा जाता है कि जब भी आप कोई काम करते हो तो फर्स्ट 30 मिनट्स में जो आपका 20-30 मिनट्स में जो आपका फोकस है वो सिद्ध होता है, मतलब एक डायरेक्शन में आता है. और उसके बाद जब आपका पूरा जो फोकस है वो एक डायरेक्शन में आ जाता है, जब आप 20-30 मिनट्स का एक लगातार सिटिंग देते हो, उसके बाद वो फोकस और एनहांस होते जाता है. तो पहले फर्स्ट आवर में जो आउटपुट होता है वो फर्स्ट आवर के बराबर ही निकलता है, पर नेक्स्ट 30 मिनट्स में मतलब डेढ़ घंटा जब खत्म होता है तो नेक्स्ट 30 मिनट्स में भी आउटपुट 1 आवर का ही निकलता है, क्योंकि आपके आपके सारे सेंसेज, आपकी सारी इंद्रियां एक ही डायरेक्शन में हैं. सो आई थिंक दिस इज हाउ टाइम कैन बी वैल्यूड, टाइम कैन बी रिस्पेक्टेड. और इतनी तेज़ी से ज़िंदगी भाग रही है, इसके लिए मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि वी स्टार्ट रिस्पेक्टिंग टाइम. उसके अलावा दोस्तों वेदर की बात करें, मुझे ये वेदर बहुत पसंद है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है मैं वीडियो बना रहा हूँ, पंखा बंद है, एसी नहीं चल रहा है और मैं जैकेट पहन के वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मुझे अच्छा लगता है. नहीं तो गर्मी में फ़ैन बंद करो, एसी चलाओ, फैन की आवाज़ बहुत तेज़ आती है माइक में. तो वेदर, आई लव दिस वेदर एंड आई लव टू हैंग आउट इन दिस वेदर. पर आज हो गया मेरा पोपट, क्योंकि मैं जनरली मैं मैक्स टू मैक्स 8 आवर्स सोता हूँ, मैक्स टू मैक्स. पर कल रात को पता नहीं क्या हुआ, मैं 1:30-2 बजे तक सो गया था,
और सुबह मेरी नींद एक बार 7:30 बजे खुली, और आपके साथ भी हुआ होगा कभी ना कभी, कमेंट में बताइएगा किसके साथ हुआ है। 5 मिनट और सो लेते हैं, मैंने आँख बंद किया और मैंने आँख खोला तो इट वॉज 11:30, और मम्मी पापा बोले तुम उठने में लेट करती हो, तो अब कहीं नहीं जाना है, घर में रहो, कल संडे है, कल पे भी कल देखा जाएगा, घर में ही हमारा बीता क्रिसमस। आपका क्रिसमस का आउटिंग कैसा जा रहा है कमेंट्स में लिख के बताइएगा। और दोस्तों उसके अलावा जो केक्स वगैरह मैं क्रिसमस पे देखता हूँ वो भी मुझे बहुत, मतलब जो फेस्टिव सीज़न होता है क्रिसमस का, ये बहुत पसंद आता है। और बहुत बड़ा इसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि वेदर इतना प्लेजेंट होता है। हालांकि दोस्तों जो मैंने बात की एक टाइम से रिलेटेड और एक फेस्टिवल से रिलेटेड, ऊपर ऊपर से मुझे अभी ये रियलाइज हुआ कि ऊपर ऊपर से लग सकता है कि दे वर नॉट इंटरकनेक्टेड, पर टाइम इज द बेसिस ऑफ एवरीथिंग। तो यही मुझे समझ में नहीं आया मैंने क्या क्या टॉपिक्स टच किए, पर जो मेरा बोलने का मन किया मैंने बोल दिया। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू गाइज वंस अगेन। और आपका क्रिसमस का एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप कहाँ कहाँ ट्रैवल किए कॉमेंट्स में लिख के बताइएगा। न्यू ईयर की बात करें तो न्यू ईयर में मे बी अगर व्लॉग शूट हुआ होगा तो व्लॉग न्यू ईयर पे आ जाएगा। वैसे दोस्तों 2 व्लॉग्स मेरे पास पाइपलाइन में पहले से पड़े हुए हैं, एक नवमी के एक दशमी के। तो क्योंकि वो व्लॉग्स, मैंने नवमी का व्लॉग एडिट कर लिया है एक्चुअली, पर मैं डाल नहीं रहा हूँ उसको अभी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फिर दशमी को के व्लॉग को डालने में लेट हो जाए। दशमी का एडिट हो जाए, कंप्लीट हो जाए, दोनों वीडियोस एक साथ कंप्लीट हो जाए, तो मैं कॉन्सिक्यूटिवली दोनों वीडियोस को पब्लिश कर दूंगा। और मुझे पर्सनली वो वीडियोस अच्छे लगे इसलिए मैं सोच रहा हूँ उनको डाल देता हूँ। ठीक है, लेट हुआ है तो क्या हुआ, वीडियो तो वीडियो होता है, एंटरटेनमेंट, मतलब जस्ट फॉर फन अगर हम देखें तो मुझे वो वीडियोस पसंद आए हैं और उम्मीद करता हूँ आपको भी पसंद आएंगे। और इसके अलावा आप कुछ भी और बोलना चाहते हैं अपनी तरफ से, कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे दोस्तों फॉलो कर सकते हैं @vishak.pandey, वहाँ पर भी मैं पोस्ट वगैरह करता हूँ। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग और अ रैंडम वीडियो लाइक दिस। बाय बाय।